हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। तो इस दिवाली के इस फेस्टिव सीजन के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट या नारियल की बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फी की रेसिपी। तो बिना घी, बिना मिल्क पाउडर और बिना कोई चाशनी बनाए हुए बहुत कम समय में ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नारियल की इस बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बर्फी को बनाना। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। तो दूध आप यहाँ पर फुल फैट या टोंड कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये 2 कप या 1/2 लीटर दूध डाल दिया है। तो दूध को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और दूध में अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो यहाँ पर 2 मिनट बाद दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये 3/4 कप या 1 कप से थोड़ा कम चीनी। तो चीनी की ये क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल सफिशियंट है, फिर भी आप यहाँ पर इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक और कुक किया है और दूध का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप कोकोनट पाउडर। तो आसानी से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसे घर पर बनाने की वीडियो भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध में भिगोया हुआ केसर। तो इसे मैं यहाँ पर फ्लेवर के साथ ही इसमें हल्का सा येलो कलर लाने के लिए यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर इसका कलर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है, तो इसमें मैं यहाँ पर ये 1/4 चम्मच येलो फूड कलर और डाल रही हूँ। तो इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 बड़े चम्मच या 100 ग्राम के लगभग घर का बना हुआ मावा। तो क्योंकि मैं यहाँ पर इस बर्फी को फेस्टिवल सीजन में बना रही हूँ, तो इस बर्फी को रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे डाला है। आप चाहो तो इसके बिना भी इस बर्फी को बना सकते हो। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई रखा है और कंटिन्यूसली चलाते हुए यहाँ पर मैं इसे कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो दूध है वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से थोड़ा थिक हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद करके इस मिक्सर को मैं अब ठंडा होने दूंगी। इस बटर पेपर को मैं यहाँ पर घी से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट ही किसी थाली या ट्रे को भी घी से ग्रीस कर सकते हो ताकि बर्फी आसानी से इससे निकल सके। तो मिक्सर ठंडा होने के बाद मैं मिक्सर को डाल रही हूँ इस बटर पेपर के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर इसे स्पैचुला से फैला दूंगी। तो आपको इस बर्फी की थिकनेस जितनी चाहिए उतना ही आप यहाँ पर इस मिक्सर को फैलाएं। तो इसे किसी स्पैचुला या कटोरी के पीछे वाले भाग से इस तरीके से चिकना या स्मूथ कर लेंगे। तो इसे स्मूथ करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। इसे फ्रिज से निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ी थोड़ी गैप से ये सिल्वर का वर्क लगा रही हूँ ताकि ये बर्फी दिखने में अट्रैक्टिव लगे। तो अब मैं यहाँ पर इसे चाकू से कट कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर इसे सेंटर से कट किया है, तो कट करने से ही यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट ये नारियल की बर्फी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है, तो इसका एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली नारियल की बर्फी। तो आप भी इस दिवाली में इस रेसिपी को अपने और अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।